हर किसी के आगे कहाँ अपनी ज़ुबान खोलते हैं, पर ध्यान से सुनिएगा, पत्थर भी बोलते हैं। जी हाँ, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पत्थरों को भी बोलना सिखाते हैं। पत्थरों के बोलने की ये कला प्रस्तर कला कहलाती है। आइए आज आपको लिए चलते हैं पुणे, जहाँ अनीता दुबे पत्थरों को बोलना सिखा रही हैं। कला और कलाकार की दुनिया अबुझ पहेलियों से भरी पड़ी है। कलाकार अपनी कल्पना के रंग से निर्जीव चीजों में भी जान डाल सकते हैं। पुणे में रहने वाली अनीता दुबे एक ऐसी ही कलाकार हैं, जिनके हाथों को छूकर पत्थर भी बोल पड़ते हैं। अनीता प्रस्तर कला यानी स्टोन वर्क के जरिए बेजान पत्थरों में जान फूंकने का काम कर रही हैं। बचपन से ही उन्हें पत्थर इकट्ठा करने का शौक था। उन्हें पत्थर बोलते सुनाई पड़ते थे। आज अनीता के पास 26 वर्षों के पत्थरों का अनूठा कलेक्शन है, जिससे उन्होंने अद्भुत कलाकृतियां बनाई हैं। वे पत्थरों को बोलना सिखाती हैं और इन पत्थरों के जरिए 100 से ज्यादा कविता और कहानियों को साकार किया है। उनके पति एयरफोर्स में काम करते हैं और उनके साथ जहां जहां जाने का मौका मिलता है, अनीता वहां नदियों और तालाबों से खास पत्थर कलेक्ट करती हैं। पिछले दिनों वे भूटान बॉर्डर के पास से 10 किलो पत्थर लेकर आई हैं। वे मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पन और अगेय सहित कई महान कवियों की कविताओं को स्टोन वर्क के जरिए बयां कर चुकी हैं। चाहे कोई त्योहार हो या प्रकृति के साथ संवाद, कोई कविता हो या कहानी या किसी को कहना हो अलविदा, अनीता के ये बोलते पत्थर हर लम्हे को यादगार बनाते दिखाई देते हैं। पाषाणों में जान फूंकने का अनीता का ये कमाल का हुनर उन्हें उन कलाकारों की फहरिस्त में खड़ा करता है, जहां कला दायरे में बंद कर और भी निखर उठती है। और अनीता तो पत्थरों के जरिए फूल खिला रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर सवर सकती है। शर्त ये है कि करीने से सजाया जाए। रजनी सेन, रंग तरंग, डीडी न्यूज़।